वहीं पूर्व एमएलसी और माफिया ब्रजेश सिंह के सिकरारा हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट से बरी होने के बाद उनके चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी बीच सुबह सभा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि ब्रजेश सिंह उनकी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उन्होंने दिसंबर के बाद बड़ा खेल होने का भी इशारा कर दिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अभी से ही सियासी जमीन सजाना शुरू कर दी है। वहीं हाल ही में ओपी राजभर ब्रजेश सिंह के घर पर पहुंचे थे, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि राजभर ब्रजेश सिंह को गाजीपुर से चुनाव लड़ा सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि घोसी का चुनाव हारने के बाद ओपी राजभर का सियासी कुनबा कम हुआ है, लेकिन अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए राजभर अभी से प्लान तैयार कर रहे हैं। गाजीपुर से ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने से ओपी राजभर को घोसी में अपना फायदा दिख रहा है। ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने भी इशारों में इसके संकेत दे डाले हैं। राजनीति में हर व्यक्ति गरीबों के बीच में जो रहना चाहता है, जो देश की सेवा करना चाहता है, लोकतंत्र की रक्षा करना चाहता है, तो वो प्रयास करता ही है चुनाव लड़ने के लिए। जो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति अगर चुनाव न लड़े तो फिर वो घर तो बैठ नहीं सकता। तो प्रदेश की जनता और देश की जनता ये तय करती है कि किसके साथ रहना। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह पूर्वांचल के बड़े माफिया रहे हैं। दोनों के बीच दो दशक से ज्यादा समय से दुश्मनी चलती आ रही है। बीते विधानसभा चुनावों में ओपी राजभर ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर से टिकट दिया था। अब्बास चुनाव जीतकर विधायक चुने गए थे। वहीं ब्रजेश सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में सिकरारा कांड में दोष मुक्त कर दिया है। बरी होने के बाद उनके चुनाव लड़ने की दावेदारी को और बल मिला है। हालांकि अंतिम फैसला बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड लेगी। चर्चा है कि गठबंधन में सुभाषपा को गाजीपुर की सीट दी जा सकती है। ऐसे में दो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों का एक पार्टी से चुनाव लड़ना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वही बीजेपी ने ब्रजेश सिंह को चुनाव लड़ाने के राजभर के फैसले पर क्या कुछ कहा है वो भी आप सुन लीजिए। गाजीपुर पार्लियामेंट चुनाव को लेकर के ओम प्रकाश राजभर जी का जो स्टेटमेंट है वो उनका निजी बयान हो सकता है, क्योंकि एनडीए के जो घटक दल हैं उसमें किस पार्टी को कहां से कौन सीटें पार्लियामेंट की दी जाएंगी ये एनडीए का नेतृत्व तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। और जब ये तय हो जाएगा, निर्धारित हो जाएगा, तो उसके बाद ही कोई ये कह सकता है कि किस सीट पे कहां किसको लड़ना है।